अरे भी जी मत लगाओ उस नालायक की बात, खुल काम लगाओ, हम जानते हैं उसको अच्छी तरीके से। जी कहाँ से जी बन गया वो फ्रॉड एक नंबर का। ईवीएम मशीन द्वारा खेल 2018 साल से चल रहा है। अब सुनो, जब स्वामी जी को हराया था, एडवानी जी को हराया था कांग्रेस ने, तब इनका समझौता आपस में हुआ था। कह रही 80% जो दलित हैं जाग जाएंगे और इनसे समझौता कर लीजिए। इन्होंने समझौता किया था, राज्यसभा में स्वामी जी को भेजा था, आपको पता हो। ये ईवीएम का 10-10 साल का खेल है, 2024 तक का कांग्रेस का खेल है। माया को रोकने के लिए, मुलायम को रोकने के लिए, लालू को रोकने के लिए, चौटाला को रोकने के लिए, जाट को रोकने के लिए, गुजरों को रोकने के लिए, इनको सबको रोकने के लिए जो है ये काम किया गया। तो उनको रोका जा रहा है ईवीएम मशीन द्वारा, सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। ईवीएम में गड़बड़ नहीं है? ईवीएम एक बात बताऊँ आप, ईवीएम की अगर ज़्यादा ये वो बन रहे हैं, आप एक इलेक्शन करा लीजिए बिलेट पेपर पे, अगर 2 सीटें अगर इनकी रह जाए आ जाए तो जिंदगी में गुलामी गिरी करूँगा मैं। ईवीएम से भी हार गए बीजेपी वाले। कौन बीजेपी वाले हार गए, कहाँ से बताइए? ऐसा है, ये बेवकूफ बनाएंगे वो आपस में, दोनों बनिए, हम नहीं बनने वाले। समझौता हो गया केजरीवाल, कल तक का केजरीवाल कहाँ था? जब मैं उसको लेके घुमाए फिर जाता हूँ, कहता था मशीन बीजेपी वाले, अब मशीनों जीत रहे हैं। अब मशीनों से कैसे जीत गया वो? अब मशीन नहीं है वो, ये समझौता हुआ है इनका कि 10 साल तुम राज करो, 10 साल दलित को, बिछड़ों को, 17 वो थे काउंसिलर यहाँ के बीएसपी के, उसको रोकने के लिए, तीसरी ताकत को रोकने के लिए, समझे? जनता दल के जमाने में 7 विधायक चुन करके आए थे, उसमें मैं भी खड़ा हुआ था जनता दल से 92 में। ये दलितों को, बिछड़ों को रोकने के लिए अक्सरियत दिल्ली में 80% जाट, गुजर, दलित, मुसलमान, ठाकुरों की है, उनको रोकने के लिए केजरीवाल को लेकर के आए। केजरीवाल को सबसे पहले लक्ष्मी नगर में ललिता पार्क में सिंबल मैंने बताया था, कैप्टन अब्बास साहब जो कुर्बान अली के वालिद साहब थे, रिबन मैंने कटवाया था इस पार्टी का, नंबर एक। दूसरा आपको बता दूं, संजय सिंह हमारा दोस्त है, रघु ठाकुर जी के साथ काम कर चुका है वो। संजय सिंह का परसों फोन आया था मेरे पास कि रिफाकत ये क्या कर रहे हो? मैं बोला क्या तुम कुछ कर रहे हो? नहीं, कह रहे नहीं हम बैठे हैं। मैं बैठे हूँ, वहाँ जा करके देखिए आप दिमाग को डाइवर्ट करके बेरोजगारी की तरफ दिमाग ना चला जाए। क्या नाम है, जितने भी जुडिशरी है, मशीनरी है, सबका नाश कर दिया इन्होंने, और आपका दिमाग हमारा हिंदू भाइयों का, ठाकुरों का, जाट। केजरीवाल जी भी बीजेपी के आ रहे हैं। अरे जी मत लगाओ उस नालायक की बात, खुल काम लगाओ, हम जानते हैं उसको अच्छी तरीके से। जी कहाँ से जी बन गया वो फ्रॉड एक नंबर का, वो जी कर रहे हो, जी कर रहे हो उसको। मैं उसको जितना जानता हूँ ना, दिल्ली के सिम ईवीएम से है, जरा क्यों लगाओ बिलेट पेपर पर इलेक्शन कराओ। अगर यहाँ पर सीपी सिंह ना बने दलित सीएम, 11 बार चौधरी प्रेम सिंह दलित यहाँ का देश का क्या नाम है विधायक चुना गया, लेकिन आज तक क्यों नहीं बनाया उसका दिल्ली का सीएम? दलित था इसलिए, जाटव था इसलिए, क्या बेवकूफ़ बना रहे? आता और क्या नाम है अन्न आंदोलन करता, सीएम बन जाता 3 बार। हम बेवकूफ़ नहीं बनने वाले, ये वो लोग बनेंगे कुर्ता पजामा पहने फिरते हैं। 11 बार 7 बार यहाँ पर ताजदार बाबर जीती, लेकिन वोट तो आप लोगों ने दिया। हमने हमारे क्षेत्र में जो है मुस्लिम ने वोट दिया, ये मानता हूँ मैं, लेकिन इतना नहीं दिया जितना आप बता रहे हो। ये जो लोग हैं, एक बात बताइए, आप समझदार पढ़े लिखे ग्रेजुएट लग रहे हो, मैं हो सकता है मैं कम हूँ आपसे जहाँ तक, मैं ये बताइए सबसे पहले जो है बीजेपी की कितनी सीट आई थी, कितनी आई थी आप बताइए, कितनी आई थी? 6 सीटें कम थी दिल्ली में, जब इनका समझौता हुआ आरएसएस का, इनका कह रहा मैं पोल खोल दूंगा, दोबारा इलेक्शन कराया 6 बार, फिर वो गायब हो गई, 3 सीटें बीजेपी की रह गई। यार क्या बेवकूफ़ बना रहे हो आप, ये सब जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये मनोवादी ताकत है, इनसे जागना होगा। ईवीएम मशीन द्वारा सत्ता पे काबिज हुए हैं, प्रधानमंत्री अनऑथोराइज है, गृह मंत्री अनऑथोराइज है, केजरीवाल अनऑथोराइज है, बिलेट अगर कोई सेकुलर आदमी आएगा, सामाजिक न्याय का आदमी आएगा और लोकतंत्र को बचाने आएगा तो इनकी जांच होगी, तुम्हें हमारी बात 10 साल बाद पता चलेगा। ये जितने भी घोटाले कर रहे हैं, बिल बना रहे हैं, ईवीएम मशीन द्वारा सत्ता पे रोक रहे हैं, जाटों को रोक रहे हैं, गुजरों को रोक रहे हैं, दलितों को रोक रहे हैं, मुसलमानों को रोक रहे हैं, सिर्फ ईवीएम मशीन द्वारा रोक रहे हैं। कोई केजरीवाल नहीं आया, केजरीवाल सबसे पहले मैं लेकर के गया था लक्ष्मी नगर को, और वो तो अन्ना तक अन्ना जी को मानना चाहता था। सर एक आखिरी सवाल, जो अभी यस बैंक के जो हालात हुए हैं बदतर से बदतर, कैसे हाँ? वो भैया हम ऐसे देखते हैं, मैं बताऊंगा उसके बारे में, उसको वो ऐसे देखते हैं जितने भी ये डायरेक्टर हैं या जितने भी कंपनी बना रखी है, कौन लोग हैं ये, वे एक ही वर्ग के लोग हैं वे, ये उसको दिमाग को डाइवर्ट करके, समझे, उसको जो लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, ये इन्हें जितना भी पैसा है सब विदेशों में पहुँचा दिया इन्होंने, चाहे बैंक हो, जुडिशरी हो, मशीनरी हो, सारा लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, कोई कहने वाले हैं, उसी मुद्दे को तो डाइवर्ट कर रही है। बैंक हो, LIC हो, किसानों का हो, समझे, जितना भी है क्या कर रही है, ये दिल्ली में जो फैला रहे हैं यही तो वजह है। दिमाग को डाइवर्ट करके, दिमाग ना जाए बैंक की तरफ, ना जाए रोजगार की तरफ, ना जाए किसानों की तरफ, ना जाए समझे जुडिशरी की तरफ, ना जाए लोकतंत्र की तरफ, ना जाए, ये दिमाग को डाइवर्ट करके जो इनसे होशियार रहना होगा। और रही बात केजरीवाल की, केजरीवाल कोई नहीं आया ईवीएम मशीन द्वारा, सिर्फ बीएसपी को रोकने के लिए, माया को रोकने के लिए, मुलायम को रोकने के लिए, लालू को रोकने के लिए, पूरा दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है पूरी दिल्ली में ना, पूरे हिंदुस्तान में।